हरे कृष्ण। सो कल हमने देखा भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से कर्म योग से, ज्ञान योग से या ध्यान योग से आप मुझे जान सकते हो या एक जीव पुरुष को जान सकता है। आज वो बताते हैं भक्ति योग के बारे में और भक्ति योग की उपमा कैसे दी जा रही है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ कृष्णा इंट्रोड्यूसेस भक्ति योग हियर। कृष्णा सेज अन्ये तु एवम जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि जाति तरन्येव मृत्यु श्रुति परायणाः। अगेन देर आर दोज हु ऑल्दो नॉट कन्वर्जेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज बिगिन टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सन अपॉन हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू हियर फ्रॉम अथॉरिटीज दे ऑल्सो ट्रांसेंड द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो वी सी यहां भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई श्रुति परायण इफ वन इज सिंपली हैविंग फेथ इन हियरिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट फ्रॉम अथोराइज्ड पर्संस देन ऑल्सो ही विल क्रॉस ओवर द मटीरियल नेशन ओशन। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग की उपमा यहां पर श्रुति से की जा रही है। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते व्हाटएवर ही हैज हर्ड फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस इन डिसिप्लिक सक्सेशन ही हियर्स दैट ही कीप्स फेथ। सो यहां पर भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है और भक्ति योग के सीधी नो द डायरेक्ट इक्वालिटी इज बीइंग डन टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। अगर आप सुनोगे सो प्लीज हियर तत्श्रुणु तत्श्रुणु तत्श्रुणु। भगवान ने लगभग 3 श्लोकों में अब तक तत्श्रुणु कहा है हमसे। सो हाउ डू वी गेट नॉलेज अबाउट गॉड? नॉलेज अबाउट गॉड is gotten by hearing about it, hearing about him from an authorized source. So karma, jnana aur dhyan in tino ko combined karke pichle shlok mein bataya lekin bhakti yoga ko alag aaj bata rahe hain. Kyun? Kyunki the basic nature of karma, jnana, dhyan is one and the basic nature of bhakti is something else. कर्म ज्ञान और ध्यान ये आरोह पंथ है। आरोह पंथ यानी एक जीव अपने स्वयं की मेहनत से मशक्कत से आई वॉन्ट टू प्रूव इट करके वो भगवान के पास आगे बढ़ना चाहता है। ही हैज मोर ओनस ऑन हिज ओन कैपेसिटी टू एडवांस रादर देन कृष्णास कैपेसिटी टू रिवॉर्ड। बट इन भक्ति योगा He simply hears from authoritative sources. Yes, this is a very important thing. जहां से भी जहीं से भी जो कोई भी बोल रहा है सब सुन लो नहीं। We must hear from authoritative sources. श्रील प्रभुपाद एक बार जब वो वृंदावन आए थे तो कभी उन्हें कहीं से एक न्यूज़पेपर मिल गया। यूजुअली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करते थे लेकिन उन्होंने देखा कि एक न्यूज़पेपर है तो किसी के घर गए थे वो न्यूज़पेपर है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओ अपने एक शिष्य को कहा टेक द न्यूज़पेपर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। सो सब हंसने लगे कि न्यूज़पेपर में भी क्या इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। सो प्रभुपाद जी ने पूछा सो हु इज द गॉड दिस वीक इस हफ्ते में कौन भगवान है अर्थात भारत का एक ऐसी जगह है जहाँ हफ्ते हफ्ते में भगवान आते रहते हैं बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं। सो एसेंस इज वी कांट अंडरस्टैंड and we can't take anyone and everyone to be God. We must have authoritative disciplic succession. इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने right in the beginning of first chapter, first verse, अपनी पूरी disciplic succession दी है। Yes, यहाँ पर भगवान चौथे अध्याय में कहे भी हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। So this disciplic succession is what makes the book, the presentation and the message authoritative. If this is there, then the message is worth reading. If this is not there, then whoever might be speaking, it is only kapola kalpita kalpana. It is only a matter of imagination. And imagination has no locus standi
in spirituality. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.